है तो अंदर आ जाओ। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तेरे घर की पनाह चाहिए मुझे। अगर वो ढूंढते हुए तेरे दरवाजे पर आ गए तो मैं खुद गिरफ्तारी दे दूंगा। वाली को बोल, उसकी दावत आई। दरवाजे को लग तुमने मारी। ये पुलिस की मर्जी है बीबी, दरवाजे को हाथ से खटखटाए भागे लात से। तो मुद्दा वाले का ऊपर से आ रहा है। तेरी खैर हो, बाली का रुपये नहीं है। अच्छा अच्छा, लुक छुप गया, ढूंढ लूंगा उसे। मिल जाए ना तो शौक शौक में उसे ये ना बता देना कि उसके घर का दरवाजा तुमने लात मार के खोला था। जीता रहे, जीता रहे। किसी को मारा है क्या? इसको पता नहीं कौन है। जब पता नहीं तो मारा क्यों? मारा नहीं, पीटा है। फिर मिलेगा तो मार दूंगा। कसूर क्या था उसका? कसूर बड़ा था उसका, और सजा मैं उसको छोटी दे रहा हूं। कसूर तुझसे मिलने क्यों आया था? साथ पढ़ता है अम्मा, और मिलने के लिए उसे मैंने नहीं कहा था। है कौन? दावर कमाल का भांजा। तुझे क्यों पता है वो दावर कमाल का भांजा? बाली ने तो कहा था अम्मा। इसका मतलब है बाली की चांदें झूठी नहीं थी। उसको पता है बाली किसका नाम है? पता तो लग गया होगा अम्मा। ये तो वही हुआ ना, आ बाली मुझे मार। उसके साथ कौन कौन था? उसके साथ दो आदमी और भी थे, लेकिन उनमें से किसी ने मुझ पे हाथ नहीं उठाया। असला होगा उनके पास? असला असला नहीं था उनके पास। असला भी था उनके पास इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इसे उस वक्त होश ही कहा था। इंस्पेक्टर साहब, उसके पास असला नहीं था। तुमने जो कुछ कहना था कह चुके स्वीट हार्ट, अब हमें कहने दो। लेकिन इनका कहना है कि उनके पास असला नहीं था। मेरा नाम सुरैया बतूल है इंस्पेक्टर साहब। ऊपर बात करनी पड़ती है। आप मुझे समझदार मालूम होते हैं इंस्पेक्टर साहब, और फी जमाना कोई समझदार आदमी बिल्ली के गले में घंटी नहीं बांधता।
कोई सुख मिले? किसी औखी थाने में छुप गया है साहब जी। ओए तो ढूंढो ना उसे। हमशीरा का गुस्सा ठंडा ना हुआ तो कोर्ट कचहरी कर देगी। तुम्हें तो पता है, मुझे तो पता है ना। सू मिल जाए तो क्या करे साहब? ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? चुपचाप कानून की मदद करनी चाहिए। उसे छितर पड़ेंगे तो हमशीरा का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। बात जरा टेढ़ी सी है साहब। क्यों क्यों टेढ़ी क्यों है? मैंने कभी छितर खाए नहीं। अब छितर तो पड़ेंगे ना कमलिया। बात दावर कमाल के भांजे तक जा पहुंची है। भांजा होता है बहन का पुत्र। बहन को खाली हाथ तो नहीं तोड़ते कमलिया। हेलो। हाँ कराओ बात, बात कराओ। हमशीरा का फोन है। रामेश के माथे पे दो टांके लगे हैं, उसकी गर्दन पर नील पड़ा है, कोनिया छिली हुई है और दाई आंख सूजी है। मैं उसकी माँ हूं। मैंने अपनी आंखों से उसकी कमीज पे उसका लहू देखा है। तुम इससे ज्यादा क्या चाहते हो दावर कमाल? पुल कर गया बाली। अब मंगेतर के मामले में थोड़ देना है। ये भी नहीं सोचता कि सामने कौन है। जानवर पालो तो सबसे पहले उसे मालिक के पांव चाटना सिखाओ। मैं समझाऊंगा। मैं सिखाऊंगा उसे। मैं सिखाऊंगा उसे। हाँ मैं सिखाऊंगा। अब सिर्फ ये बताओ उसे कि मालिक को काटने की सजा क्या है। नाश्ते में तो सिरी पाए शौक से खाता है, ये बात आधा शहर जानता है। सिरी पावे मैं नाजू और मौजू के बगैर नहीं खाता, इस बात को भी आधा शहर जानता है। शहर को पता है कि तुम्हारे बगैर तो वो नाश्ता भी नहीं करता, फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसके ठिकाने का पता ना हो? सच्ची बात है डिप्टी साहब, हमें उसके ठिकाने का पता नहीं है। और इससे भी सच्ची बात ये है डिप्टी साहब, हमें उसके ठिकाने का पता भी होता तो हमने आपको बताना नहीं था। यहां तो गुंगे भी बोलते हैं, तेरी तो मजाक ही कोई नहीं। रुको, नाश्ता कराओ उनको। चलो जब आपस में इतनी मोहब्बत है तो बाली को ढूंढने की जरूरत ही क्या है, वो तो आप चल कर आएगा। तुम खाम हकत रद्द करते हो। कैसा है पुत्री? मामा ने कहा बिस्तर पर लेटूं, वरना ठीक। जब तक बाली बिस्तर पर नहीं पड़ेगा तेरी मामा तुझे बिस्तर से उठने नहीं देगी। मेरी एक बात सुनिए दावर अंकल, बाली को कुछ मत कहिएगा। क्यों क्यों ना कहिए? उसे बराबर तोल कर सजा तो मिलेगी। वो
वो जोरा के मंगेतर है दावर अंकल, और मैं जोरा को कोई दुख नहीं दूंगा। तो आराम कर, ऐसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती हैं। तेरी मां सुनेगी ना तो बरसेगी तुझ पर। खुशी मामा, खुशी मोहम्मद अभी लौट कर नहीं आए बेगम साहब। खुशी मोहम्मद की जगह खबर मैं ले रहा हूं। वो शाम से पहले गिरफ्तार हो जाएगा, आपको छुप छुप जाए तो ढूंढने में वक्त तो लगता है। शाम होने में देरी कितनी है? लेकिन रामेश कहता है कि बाली को कुछ नहीं कहना। उसका मतलब है उसे जान से नहीं मारना। तो तय ये हुआ कि बाली को जान से नहीं मारना। रामेश पे हाथ उठाने वाला अगर मर भी जाए परवाह नहीं। ये कुछ ज्यादा नहीं है अमशीरा? कम या ज्यादा का हिसाब मैं तुमसे बेहतर जानती हूं। बेहतर जानती है, ठीक कहती है, ठीक है। तेरे लिए चुमके लाया हूं। ला दे। पहन के दिखा। ये कोई चुमके पहनने का वक्त है? पहन के दिखाएगी तो जाऊंगा। दिल भी है तेरे पास? किसी डॉक्टर से चेक करा ले। जिसके पास होता है ना बाली, उसे डॉक्टर से सबूत नहीं मांगना पड़ता। तुमसे दिल की बात कहने आया हूं। कहो। चुमकों की कसम, कॉलेज जाना छोड़ दे। सुन, किसी को भेज दो बाली, आकर मेरी किताबें गली में फेंके या कोई आग लगा दे। राख उड़ेगी, उड़कर बेइल्मों के पैरों में आएगी, इल्म वालों के सर पर पड़ेगी। ना कर जोरा। ऐसी बातें ना कर जिनको सुनकर बाली शर्मिंदा हो जाए। है? माफ कर दे। हाँ, माफ कर दे मुझे। ये लिखा का कौन है कि वर्दी के साथ अगर बूट भी पहने हो तो हाथों की जरूरत नहीं पड़ती। अभी बचा मैं जाऊंगा तो ऐसा ही बड़ा वोटों का तस्वीर डीले करेगा।
इस बार पुलिस के इरादे अच्छे नहीं वाली। इस बार मेरे इरादे भी अच्छे नहीं हैं नाजू। अभी रुक, मुझे कोई बंदोबस्त तो करने दे। नाजू और मौजू ने कभी पुलिस की मार नहीं खाई। मार तो कभी तूने भी नहीं खाई। चल रहने दे, अभी होनी भी हो जाएगी। बाली हवालात में है? नहीं सनम जान, वो तो पकड़ा ही नहीं गया। सुना है दावर कमाल के भांजे को मारा उसने। उधर गली में कोई कह रहा था इस बार तो आसानी से जमानत भी नहीं होगी। किसने कहा कि आसानी से इसकी जमानत नहीं होगी? उधर गली में अच्छू कह रहा था। सिरा मैं मोबाइल से फोन मिला। जी गिरफ्तारी देने आया। कुर्सी पर बैठो। जमीन पर बैठाए इसे, यह आपके सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? मेरे आने से पहले यह 100 बार यहां आया और मैंने सुना है पहले तुम ही से बैठने के लिए कुर्सी। दावर कमाल का चमचा है साहब, वह जिस टैग में कहेगा उसी टैग में ठहरेगा। ये चुप रहो और बैठ जाओ। मेरे यार का साहब, उनको रिहा करे, उनका तो कसूर है। मैं मुबारक बोल रहा हूं डिप्टी साहब। इसी बात का डर था मुझे, दावर कमाल से टूटेगा तो मैं मुबारक से जुड़ जाएगा। अभी फोन गया है ना साहब, जमानत नहीं हुई। आप बाली को मनाए ना साहब। बाली को मनाओ तो हमशीरा रूठती है, हमशीरा रूठ गई तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। बाली टूट गया ना तो शहर के वोट टूट जाएंगे ना साहब। बाली तो टूट गया है बदरू। अब्बा जी कहा करते थे, जो तुम्हारे लिए मरता हो उसे कभी अपने हाथों से नहीं मारते। हमने बाली को अपने हाथों से मार दिया। हेलो, मैं मुबारक बोल रहा हूँ। जी मेयर साहब, सुबह जमानत हो जाएगी। सुबह क्यों? कानूनी कामों में सुबह का इंतजार करना पड़ता है सनम जान। रात की तसल्ली रखो, मैंने डिप्टी से कह दिया है एसआई वाइज हवालात नंगे पांव जाएगा। शुक्रिया मेयर साहब। मैंने दावर कमाल की बेवफाई से सीखा है सनम जान, दोस्तों से वफा करते हैं। क्या हुआ? ख्वाब देखा? पानी पियो। पानी क्या देखा? मैंने देखा अम्मा, बाली की जमानत हो गई है और वो हाथ में खंजर लिए सीधा हमारे घर आ रहा है।
की तरफ एक ही पुकार है, बाली जोरा का खून कर देगा, बाली जोरा का खून कर देगा। जून जोगा इतना बुरा नहीं है जोरा कि तेरा खून कर दे। मैं कहती हूँ अम्मा कर दे, इस रोज रोज के मरने से जान तो छुटेगी मेरी। तू ये दुआ क्यों नहीं करती कि वो सुधर जाए? सुधर जाएगा तो मैं क्या ब्याह कर लूंगी उसे? एक बात तो बता अम्मा, रोज दंगे करता है, जेल जाता है, खाला के दिल को कुछ नहीं होता। बाली उसके बस में नहीं है। एक बात कहूं अम्मा, कोई जैसा भी हो किसी न किसी के बस में जरूर होता है। वो जिसके बस में हो सकता था वो तो उसे ख्वाब में देखकर डर जाती है। जमानत कैसे होगी वकील साहब? शहर में और भी लोग हैं जिनकी कुर्सी वजन में आपकी कुर्सी के बराबर, फिर ये तो बेलेबल ऑफेंस था, जैसा चाहते भी तो जमानत रोक नहीं सकते। अगर आप बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल नहीं बना सकते तो आप मेरे डेबिट वाउचर हुए ना, पैसे लिए घर गए, लाला खैर सर घर जाइए वकील साहब। जो जमीन कदम चूमती हो वो अपनी होती है पाली, आज तूने अपनी जमीन पर पैर रखा है, चलकर मैं मुबारक की पाहों में आ, यहां दोस्ती को बराबर की दोस्ती से तोड़ा जाता है। जफरीदार पाली जफरीदार, मैं मुबारक के बाजू दोस्तों से दगा नहीं करते। कसूर आपके वकील का है और गुस्सा आपका मुझ पर है हमशीरा। बाली पकड़ा हुआ यही तो चाहिए था, बाकी काम तो वकील ने करना था या फिर आपके टेलीफोन ने। और सच्ची बात है हमशीरा, वकील तो था ही निकम्मा, लेकिन आपके टेलीफोन में भी दम नहीं रहा। ये तो मेरा गुस्सा हुआ ना हमशीरा, अगर आपको हिसाब किताब आता हो तो एक बात बता दूं, बाली जैसा आदमी हमारे हाथ से क्या? परवाह नहीं। आपको परवाह नहीं है ना, इसीलिए वो उनकी गोद में जा बैठा है जिनको उसकी परवाह है। पर से गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि इलेक्शन होने वाले हैं, अगर सीट हाथ से निकल गई ना तो मैं मुबारक को मुबारक देनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी सीट एक थड़िए की मेहरबानी की मोहताज है दावर कमाल, तो इस बार मैं मुबारक को मौका देते हैं। वो
ये चाबी लो। चाबी? गाड़ी की चाबी है, तुम्हारी गाड़ी। माँ मुबारक की तरफ से तोहफा है तुम्हें। पर मैं मुबारक वाली को गाड़ी चलाने नहीं आती। साहब लोग गाड़ी नहीं चलाते, उनके ड्राइवर चलाते हैं। बख्शी को बुलाए, बख्शी आज से बाली का ड्राइवर है। ये कुछ ज्यादा नहीं है मैर मुबारक? तुम गाड़ी का सुनकर गाड़ी की कीमत सोचते हो। कभी मेरी डायरी में लिखी हुई अपनी कीमत पढ़ना, गाड़ी तो शायद कोई नहीं बंदी। इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि मैं उसे मिलना नहीं चाहती, और अगर वो फिर भी बाज ना आया तो उसे कह दो मरियम, मेरी तरफ उठने वाला उसका हर कदम मौत की तरफ उठता है। मुझसे तो उसके सर की पट्टी नहीं देखी जाती, उसका मरना कैसे देखोगे? मरने से कौन डरता है? समझती थी कि मैं बाली से नहीं डरती, मैं तो मौत से भी इतना नहीं डरती जितना बाली से डरती हूं। मैं ना मौत से डरता हूं ना बाली से। उठो मरियम। रुको, उठने भागने में कितनी दूर जा सकती हो सौरभ? इतनी दूर तो जरूर जाऊंगी कि मैं तुम्हें और तुम बाली को दिखाई ना दो। कितने दिनों से नहीं आया? तुम दिनों की बात करती हो, कोई तो अवरे सालों से नहीं आया। मैं बाली का पूछ रही हूं बहन, मैं भी बाली का बता रही हूं। जब कोई अपनी मर्जी से कार आए तो फलिए वो कोई कार तो नहीं आता। पियो सर पे होता तो पढ़ लिख के अफसर बनता। आज का दिन याद है? अप्रैल की 5 तारीख, आज ब्याह हुआ था मेरा। कुड़ कुड़ के मर जाए भैन, उसे याद करने से बाज नहीं। अरे मर गया हो तो भूल भी जाओ उसे। खबरें मारी गया हो तुम
जोरा की बात करने आई थी। नहीं नहीं कुछ नहीं। बताने आई हूं रामिस कि मैं तुम्हारे गम में बराबर की शरीक हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी हमदर्दियों को रोक नहीं सकती। तुमने मजनू की तस्वीर देखी है भाई? हूबहू तुमसे मिलती है। मुझे पता। हाय अल्लाह, तुम्हें हर बात का पता है। प्लीज राबी। शेम ऑन यू। इस तरह का मजनू बनने से कभी लैला नहीं मिलती। उठो और मामा की सुरैया बतूल से टकरा जाओ। ये तुम कह रही हो? आहिस्ता बात करो, मामा सुन लेंगी।
आहिस्ता बाली आहिस्ता। इससे अच्छी तो हवाला थी राना, मेरी पहले से भी इतनी ठीक है बाली। बाली देख, तूने नई नई गाड़ी सीखी है ना, जरा हौली हौली चलाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। ओह अल्लाह,